अयोध्या के जनपद के ब्लॉक हैरिंगटनगंज में क्षेत्र के अंतर्गत गयासुद्दीनपुर गांव में ग्रामीण स्तर पर एसआर क्रिकेट कप का आगाज क्रिसमस डे पर शुरू किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आए एसपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार मिश्रा व विशिष्ट अतिथि के रूप में आए विपनेश पांडे ने फीता काटकर मैच का उद्घाटन किया। एसआर क्रिकेट क्लब के सौजन्य से उद्घाटन होने के बाद प्रधानाचार्य प्रेम कुमार मिश्रा ने एक ओवर का मैच भी खेला। इस टूर्नामेंट में 31 टीमें भाग ले रही हैं। ट्रॉफी जीतने वाले विजेता टीम को 21,000 रुपये और उप विजेता टीम को 11,000 रुपये की नगद धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी। फाइनल मैच 1 जनवरी को खेला जाएगा। एसआर ग्रुप अयोध्या के द्वारा ड्रोन कैमरे से इस मैच का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया, गांव के खिलाड़ियों में टैलेंट व प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने बताया, आयोजक शिवराम यादव के द्वारा जो यह पहल की गई है काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा, गांव से ही बच्चे निकलकर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलते हुए पहुंचते हैं। तो दूसरी तरफ आयोजक शिवराम यादव ने बताया, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं ग्रामीण अंचलों पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करता रहूंगा, जिससे जिन प्रतिभागियों में टैलेंट और काबिलियत है उनको जिले स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना हुनर और काबिलियत दिखाने का मौका मिल सके। ये टूर्नामेंट ग्रामीण एरिया में होते हैं, उनका हमारे देश के लिए बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारा देश गांव का और अधिकांश जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। जो भी आज खेल के क्षेत्र में हो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, हमारे देश में गांव से ही निकलकर प्रतिभाएं आगे गई हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं में गाँव के वो होनहार खिलाड़ी जिनको कभी ऐसा मौका नहीं मिलता, वो अपनी जी जान लगा करके ऐसे खेलों के द्वारा ही वो प्रदेश स्तर पर फिर राष्ट्र स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। अगर ऐसे टूर्नामेंट ना हो तो गांव में छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं वो आगे नहीं जा सकती। तो ये टूर्नामेंट वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाद में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, अन्यथा वो ऐसी प्रतिभाएं जो गांव में छुपी हुई हैं अगर उनको ये पता नहीं चलेगा कि ऐसी प्रतिभाओं ऐसी प्रतियोगिताओं के द्वारा भी हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं तो वो फिर हमारे राष्ट्र का नुकसान ही होता है। इसलिए ऐसी प्रतिभाएं और ऐसे खेल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, होनी चाहिए। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ शिवराम यादव जी को, जिन्होंने ऐसे क्षेत्र में गाँव के क्षेत्र में इंटीरियर क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी यहाँ पर जो भी उपस्थित टीमें हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। और मेरी ये शुभकामना है कि यहाँ से ऐसे खिलाड़ी भी निकलें जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन करें। आयोजक शिवराम यादव, और मैंने इस टूर्नामेंट को कराने का निर्णय लिया। पिछले साल से ये टूर्नामेंट हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको खेलने का एक बेहतर मौका मिले, और इसके माध्यम से मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि समाज के लिए एक नया संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतियोगिताएँ होती हैं कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए होती हैं, उससे आगे खिलाड़ी बढ़ सकते हैं। और आयोजन में मैंने जो विजेता को दिया है वो 21,000 रुपये विजेता को है और उपविजेता को 11,000 रुपये है, और प्लस दोनों टीमों को ट्रॉफी भी है, और इसके साथ साथ में और भी व्यवस्थाएँ हमने किया है फाइनल के दिन के लिए, और ड्रोन कैमरा लाइव प्रसारण ये सब का व्यवस्था भी मैंने करवाया है। और ये उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से सबका सहयोग अगर मिला, ये टूर्नामेंट जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ये चलाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्राइमरी स्तर पर तो नहीं लेकिन इंटर कॉलेज स्तर पर एक शिक्षक रखा जाता है जो एक, और इसके लिए शिक्षक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों जो बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं छिपी हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज के बच्चे हों या उसके स्नातक लेवल के बच्चे हों, उनको कहीं ना कहीं एक शिक्षक के माध्यम से स्टेडियम वगैरह बनवा करके खेल को थोड़ा और बढ़ावा देकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कितनी टीमें भाग लेगी इस बार? इसमें लगभग 32 टीमें भाग ले रही हैं।